वक्त की बड़ी खबर आ रही है, किसान आंदोलन से जुड़ी है बहुत महत्वपूर्ण खबर है। फर्जी किसानों के नकाब से पर्दा उठ चुका है, दो किसान संगठन आंदोलन से अलग हो चुके हैं। किसान नेता वीएम सिंह का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा है किसान आंदोलन से हटने का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन भी इस आंदोलन से अब अलग हो चुका है। गाजीपुर बॉर्डर से लौटेगा किसान का बड़ा संगठन। आंदोलन इस तरह नहीं चलाया जा सकता है, तो वीएम सिंह का एक बहुत बड़ा बयान आया है सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि आंदोलन इस तरीके से नहीं चल सकता है। वीएम सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजस्थान पर किसान आंदोलन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें, दो किसान संगठन आंदोलन से अलग हो चुका है। किसान नेता वीएम सिंह ने ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन से अब वो हट चुके हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वीएम सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। आपको और अपने किसान भाइयों को ऐसे संगठनों ऐसे नेताओं से अलग करते हैं? अलग जी, बिल्कुल अलग। ऐसे संगठनों के साथ हम कभी नहीं रहेंगे जीवन में। और सुनो, भारतीय किसान यूनियन भानु किसानों की लड़ाई लड़ने में अकेला सक्षम है, क्यों कि सत्य जीतता है। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो, मुद्दों के साथ ना हो। मुझे बता देना, राकेश टिकैत 5-6 मीटिंगों में गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई? रेट की उठाई, पुरानी पेमेंट की उठाई, डेढ़ गुना लागत के दाम में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उठाई, किस चीज में उठाई? धान का रेट की बात करी, किसकी बात करी? और हम केवल यहां से सपोर्ट देते रहे और वहां पर कोई नेता बनते रहे, वो हमारा काम नहीं है आज। इसलिए बड़े दर्द के साथ मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन खड़ा करने का काम 26-27 में दिल्ली लाने का काम वीएम सिंह का था। 27 अक्टूबर को भी मैंने जब पंजाब के लोग दिल्ली लेके आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि हम सब मिलके करेंगे 2 दिन का ये आंदोलन, पर इसलिए नहीं आए थे कि देश को, अपने आप को 26 जनवरी को सबको बदनाम करने का काम हमने किया, इसलिए हम नहीं आए थे यहां पर। तो चलिए, आपने देखा कि किस तरीके से दो किसान संगठन आंदोलन से अलग हो चुके हैं। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता नेहा सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। नेहा, दो किसान संगठन आंदोलन से अलग हो चुके हैं, आखिरकार जो नकली किसान है और असली किसान है, इसमें अंतर पता चल गया है और क्या कुछ तमाम जानकारी हमारे पास है? देखिए, जिस तरीके से अभी लगातार आप वीएम सिंह की बातचीत भी सुन रही होंगी, जिस तरीके से उन्होंने मीडिया कर्मियों को बयान दिया है कि वो अपने आप को इस किसान आंदोलन से अलग कर चुके हैं, इसका सीधा और साफ मतलब है कि कई लोग परेशान हैं, दुखी हैं, जिस तरीके से कल घटना घटी है उससे जरूर। और देखिए, यही व्यवहारिकता और यही नैतिकता और यही मानवता भी यही कहती है कि अगर आप भारतीय हैं, अगर आप राष्ट्रहित के बारे में सोचते हैं, तो आपको जो कल तस्वीर पेश हुआ है देश दुनिया के सामने, उसके बाद तो कम से कम आप इस तरीके के आंदोलन का हिस्सेदार ना बने। वही वीएम सिंह ने तस्वीर और वही वीएम सिंह ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राकेश टिकैत पे हमला किया है, जिस तरीके से पर्दाफाश करने की कोशिश की है, तो भी मीडिया का लगातार मुहिम यह है कि हम एक सच्चाई दिखाने का प्रयास करें, तो वही चीजें धीरे धीरे छन के देखे बाहर आ रही है। जिस तरीके से हम लगातार कह भी रहे थे कि हमारे पास और पुलिस अधिकारियों के पास आईबी की तरफ से रिपोर्ट आ रहा है कि कई तरह के अराजक तत्व इसमें आ चुके हैं, तो कई घटना घट सकती है इस तरीके की। जो ये हिंसक वातावरण हुआ था, इसके बारे में हमने पहले आगाह किया था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद जो तस्वीर जो हमने कहा वो जिस तरीके से हमने कहा वैसे ही सामने आया। लेकिन जो अब राकेश टिकैत के बारे में जो बयान वीएम सिंह ने दिया है, सीधे और साफ तौर पर समझिए कि किस तरीके से दोनों ही दलों में, दोनों ही संगठन में किस तरीके से मनमुटाव हो चुका है। और इसका साफ मतलब कि धीरे धीरे जो छोटे छोटे किसान संगठन भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, अब वो भी आहत हो चुके हैं और वो भी दुखी है। तो धीरे धीरे किसान का जो ये आंदोलन है वो गलत दिशा में चुकी जा चुका है। तो जो लोग
सही सोच और सही नियत से इस आंदोलन का हिस्सेदार बने थे, कम से कम अब वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए एक उदाहरण सामने आ चुका है, अब देखिए कुछ ही दिन में आप यही देखेंगे कई संगठन पीछे हट जाएंगे इस आंदोलन से, और ये आंदोलन जो सही दिशा में जाने वाला था शुरुआती दिनों में, अब वो खत्म हो चुका है। ना तो किसानों की मांग सुनी जाएगी, ना तो अब इन संगठन के नेताओं पर कोई विश्वास करेगा। नेहा, अब आगे की क्या रणनीति है? जो दो किसान संगठन ने अपने आप को आंदोलन से अलग किया, अब इनके आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए सीधा और साफ रणनीति, देखिए पहले तो आप समझिए कि जो अब राकेश टिकैत का जो संगठन है वो जिस तरीके से दावे कर रहा है कि हम अकेले ही इस आंदोलन को चलाएंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि आपको देश भर के किसानों की मदद चाहिए, देश भर के किसानों की सहमति चाहिए, क्योंकि आप किसान के नेता बन रहे हैं, किसान का आंदोलन आप कर रहे हैं। लेकिन जब आपको सहमति अपने आसपास के संगठन की नहीं मिल रही है, तो आप देश के किसानों की सहमति को तो भूल ही जाइए। जब देश का किसान ही आपके साथ नहीं होगा, तो ना तो आपके सवाल को जायज माना जाएगा, ना तो आपकी मांग को। तो मतलब हमें जो ये उम्मीद होगी कि कुछ दिनों में ही, अब ये किसान आंदोलन जिन सवालों से शुरू हुई थी, ना तो वो सवाल मुकम्मल जगह पे पहुंच पाई है, ना तो उन सवालों का जवाब सरकार की तरफ से इनको मिल पा रहा है, क्योंकि जो इसमें इन्वॉल्वमेंट गलत लोगों का हुआ है, कहीं ना कहीं नुकसान सिर्फ किसानों का हुआ है। बिल्कुल नेहा, साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि वीएम सिंह के ऊपर केस भी दर्ज हुआ है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए कई किसान नेता जो कि एफिडेविट जिन्होंने दी थी साइन करके कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन निकालेंगे, उन सबके ऊपर जो है वो केस दायर हुआ है। देखिए सीधे तो चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता नेहा का। तो इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां की दो किसान संगठनों ने अपने आप को किसान आंदोलन से अलग कर दिया है। किसान नेता वीएम सिंह का बड़ा ऐलान भी सामने आया, भारतीय किसान यूनियन भी इस पूरे आंदोलन से अब वो अलग हो चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर से लौटेगा किसानों का बड़ा संगठन। तो लगातार जी राजस्थान आपको ये बात बता रही थी कि किस तरीके से किसानों की आड़ में कुछ अराजक तत्व बैठे हैं जो कि पूरे किसान आंदोलन को हाईजैक करने के प्लान में। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि किसान नेता वीएम सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। तो लगातार दो महीने से ज्यादा हो चुका है जब किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर्स पर लगातार अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने बैठे हैं। 12 दौर की वार्ता भी हो चुकी है उनके सामने, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, कोई भी फैसला नहीं लिया गया। आपको बता दें कि 4 शर्तों को किसानों ने सरकार के सामने प्रस्तुत किया था, जिस पर 2 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, लेकिन फिर वही 2 बिंदु ऐसे थे जिस पर सरकार को फिर विचार विमर्श करना पड़ा।